अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, मतलब पनीर का सालन, जो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो आप भी इसी तरह से बनाना, जैसे कि मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल ली थी, उसमें मैंने अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली ये सब डाल के 1 से 2 मिनट के लिए सोते करी, फिर उसका हम पेस्ट बना देंगे। इतना मतलब ईजी रहता है पनीर का सालन, मतलब पनीर को कोई भी तरीके से आप बनाओ तो वो एकदम सिंपल तरीका रहता है पनीर का, और एकदम अच्छा भी बनता है। उसमें ज़्यादा कुछ मसाला तो लगता नहीं। और हाँ, इसमें ना 4-5 काजू भी आप डाल देना। फिर वही कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे, और ये देखिए मैंने कैप्सिकम, अगर आपके पास रेड येलो नहीं हो तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मेरे पास थी तो मैंने रेड और येलो, ग्रीन नहीं थी तो मैंने रेड येलो और अनियन को साथ में सोते करके निकाल लिया था वही कढ़ाई में। फिर उसके बाद हम अपना जो मैंने मसाला, मतलब अनियन, टमाटो, ग्रीन चिल्ली और काजू, उसका हम मिक्सर में पेस्ट बना देंगे। फिर हम यही तेल में पनीर को भी सोते कर लेंगे। यानी एक ही कढ़ाई में आपके पूरे काम हो जाते, ना ही दूसरी कढ़ाई की ज़रूरत लगती, ना ही आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये देखिए मैंने पनीर को भी उसी में ही अच्छे से, मतलब हल्का सा पिंक कलर सा आएगा ना तो आप निकाल देंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसमें से पनीर निकाल दी थी। फिर वही तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच ज़्यादा मतलब डाल दी थी, उसके अंदर मैंने फिर जो पेस्ट बनाई थी ना वो पेस्ट उसके अंदर डाल दी थी मैंने। फिर इसके साथ ही साथ हम इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 1/2 चम्मच, क्योंकि पनीर में ज़्यादा मसाला और जैसे ज़्यादा सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हम सब 1/2 चम्मच डाल देंगे, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। ठीक है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली पीसी थी ना इसीलिए। और आधे से भी एकदम थोड़ा सा कम गरम मसाला डालेंगे, और नमक डाल के इसको इतने अच्छे से भुनेंगे ना कि तेल एकदम सेपरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम टमाटो सॉस डालेंगे। तो टमाटो सॉस डालने से जो टेस्ट आता है ना, क्या ही मैं आपको बताऊँ। तो आप ना बिल्कुल इसी तरह से बनाना और बताना मुझे कमेंट में कि आपका पनीर का ये वाला सालन आपके घर में सबको कैसा लगा। फिर ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको ग्रेवी पतली कर दी थी, और साथ ही साथ जो मैंने पनीर और अनियन, कैप्सिकम सब डाली थी वो डाल के 3 से 4 मिनट के लिए पकाई। फिर कोरिएंडर से उसको मैंने गार्निश कर दी, और ये इतना मज़ेदार बना था ना, इतना मज़ेदार कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। इसको आप ज़ीरा राइस या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।